बसों से समस्या आई है, सीधे बुद्ध सी रोड आप देख रहे हैं, ये हमारा जो जो एक हब है बिजनेस का हब और यहाँ पर जो चिकित्सा का हब है ये कालमारी बाजार, आप यहाँ देखते हैं कि हमारा पूरा इलाका है जो आप परामपुर का जो इलाका है, आदमोर का इलाका है, कटवा का इलाका है, सारे लोग तो यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आते हैं, इलाज करने के लिए आते हैं और भी प्रतिक्रिया के लोग आते हैं। लेकिन आज देखिए सरकार की लापरवाही और जो हमारे जो सीडब्ल्यूडी जो भी अधिकारी है उसकी लापरवाही को देखिए, आज तक जो है इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। आज कॉलेज चौक से लेकर के सालबारी का जो हमारा जो रेलवे लाइन फाटक तक है वहाँ पर जो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए और पीसीसी ढलाई होना चाहिए। हमारी मांग है कि इसको पीसीसी ढलाई करे, नहीं तो ये हमारा बहुत बड़ा आंदोलन और बुरा आंदोलन होगा। और हम अजीब करना चाहते हैं सरकार को कि 10 दिन के अंदर इसका जो है पीसीसी ढलाई शुरू किया जाए। कितने दिनों से खराब है सर? ये लगभग जब से मैं लगभग 5 साल से मैं रह रहा हूँ, 5 से 6 साल से मैं सालमारी में रह रहा हूँ, सबसे रास्ता खराब है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि कितने लोग जा रहे हैं, लगभग जो है 30 से 35 हज़ार आदमी पर डे इस रोड से गुजरता है। लेकिन आप इसी चीज देखिए, यहाँ का जो संबंधित जो हमारे यहाँ का जो विधायक है, जो संबंधित जो सांसद है, कभी नहीं इस समस्या के प्रति उन्होंने कभी भी अपना जो सकारात्मक रूप नहीं दिखाया, हमेशा उदासीन रहा। अब अच्छा घर करके जो आम आदमी पार्टी इसके लिए पहचान उतर गई है और ये चेतावनी देना चाहते हैं उनके, जब तक ये रोड अगर हम लोग का मांग नहीं माना जाता कि हम लोग भूख हड़ताल पर छोड़ते जाएंगे।